मीटिंग का प्रारंभ करते हुए जो भी इस मीटिंग के आयोजन में जिन भी साथियों का कतरा भर भी सहयोग रहा है उन सभी साथियों को ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन और व्यक्तिगत रूप से मैं अजय गुर्जर धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इसे मारवाड़ की धारा पर बुलाकर आज इस ट्रैक मेंटेनर शक्ति के वर्चस्व को स्थापित करने का काम किया और जो हमारे एकजुटता की ताकत थी उस एकजुटता की ताकत से एक जन उपकार इस मारवाड़ की धरती से भरी जा रही है। इससे अच्छा मौका मेरे हिसाब से ट्रैक मेंटेनर के लिए हो नहीं सकता। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज की मीटिंग का उद्देश्य था कर्मचारी मिलन समारोह है और सेफ्टी से बिना सर्वप्रथम इसी उद्देश्य से बात करते हुए आगे की सारी बातें आज मैं आप सभी साथियों से करूंगा, क्योंकि जब मंच अपना, साथी अपने, मुखिया अपने, तो फिर बातें भी अपनी होनी चाहिए। साथियों, जब मैंने रेलवे की पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी मेरा सबसे अहम मुद्दा था पेट्रोलिंग और डिवीजन से लेकर के हेडक्वार्टर लेवल तक इस पेट्रोलिंग से संबंधित जितनी भी कमेटियां बनी, जितने भी मेरे को मौके मिले, धरना प्रदर्शन का मौका मिला, शायद मैं हर जगह उपस्थित हुआ और डिवीजन लेवल के अधिकारियों को, हेडक्वार्टर लेवल के अधिकारियों को मैंने समझाने का प्रयत्न भी किया कि जिस प्रकार आप पेट्रोलिंग करा रहे हो वो पूर्णतया ट्रैकमैन और ट्रैक के लिए असुरक्षित है। उसका जीता जाता उदाहरण भी बताया कि जिस प्रकार डबल लाइन में पेट्रोल वैन लाइन को देखते हुए लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड से जाता है, उस जगह पर वापस जब पेट्रोल मैन आता है तो लगभग 2.5 घंटे बाद में वहां पर लौट के आता है। 2.5 घंटे तक उस ट्रैक की कौन सुरक्षा कर सकता है, कौन जिम्मेदारी ले सकता है, किसी अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हमने इसका तोड़ भी बनाया था, चार्ट भी बना करके दिए थे, लेकिन सिर्फ एक ही बात निकल करके आती थी कि काम चल रहा है, ट्रैकमैन कर्मचारियों की संख्या हमारे पास कम है, इसलिए जिस प्रकार पेट्रोलिंग चल रही है उस प्रकार पेट्रोलिंग चलने दो। इसी प्रकार चाबीवाड़े का मैटर था डबल लाइन में, मेरा मैं पहले यहां रानी सेक्शन में ही कार्यरत था। चाबीवाड़े डबल लाइन में 14 किलोमीटर चलते थे, 7 किलोमीटर एक साथ जाना और 7 किलोमीटर एक साथ आना। मैंने मैनुअल का थोड़ा सा अध्ययन किया और चाबीवाड़े के बीच में साफ तौर पर डबल लाइन के मैनुअल में उल्लंघन हो रहा था। उस समस्या को जाकर के मैंने डिवीजन स्तर पर एक कमेटी बनवाई और यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उस कमेटी का रिजल्ट हमारे पक्ष में आया और जो आज हमारा कीमैन साथी है जो 3.5 किलोमीटर जाता है, 3.5 किलोमीटर आता है, मतलब टोटल 7 किलोमीटर में अपनी बीट पूरी कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा फायदा इसका यह हुआ कि उस ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। आज जिस स्थिति में वो चाबी की ड्यूटी कर रहा है गाड़ी के सामने वाली दिशा में कर रहा है, जबकि उन स्थितियों में गाड़ी उसके पीछे की साइड से आती थी जिसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा था। दूसरा, रक्षक डिवाइस एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। वर्तमान में जो दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन है अपने आप को बहुत दुरंधर मानती है, बहुत विकासशील मानती है, लेकिन मेरी नजरों में विकास के नाम पर सिर्फ अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। 2013 से दोनों मान्यता प्राप्त संगठन मान्यता में थी, लगातार प्रशासन के साथ पीएनएम कर रही है, लगातार रेलवे बोर्ड के साथ पीएनएम कर रही है, लेकिन एक कर्मचारियों को जो सुरक्षा का उपकरण था
वो तक नहीं दिला पाई। तो डर जी ने एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी है, क्योंकि इस प्रकार की बातें जब आज सभी साथी हम एक साथ बैठे हैं तो करना बहुत अच्छी बात है। साथियों कहते हैं कि जिसको बल से नहीं जीता जाता उसको छल से जीत लिया जाता है, और उसी छल के द्वारा पिछले समय में जो हमारा ट्रैक मेंटेनर संगठन एक मजबूत स्थिति में बना था, लेकिन कुछ लोगों की दुकानें जब बंद होने का खतरा मंडराया तो छल के साथ हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों को उन्होंने तोड़ दिया। अब मैं सभी साथियों को उनके समक्ष एक बात कहना चाहता हूं, देखो हमारे साथ धोखा हुआ था और आज अगर अपन उसको सकारात्मक रास्ते की तरफ लेके चले तो उसका सकारात्मक रास्ता ये निकलता है कि उस धोखे से हमारे को सीख मिली है, अनुभव मिला है कि इस प्रकार की चीजें नहीं हो। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी साथियों के सामने ये घोषणा करता हूं कि जिस प्रकार पूर्व संगठन ने हमारे ट्रैक मेंटेनर साथियों के साथ किया, AIR2 संगठन किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करेगा। जो भी चुनाव से संबंधित निर्णय लेने होंगे वो ऐसे नहीं है कि अकेला अजय गुर्जर ले लिया या अकेला कोई राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी ले लिया। मैक्सिमम पदाधिकारी साथी वहां मौजूद रहेंगे और जो भी ट्रैक मेंटेनर हित में फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। सबसे अंत में एक बात कहना चाहता हूं,